जय जिनेंद्र, मैं प्रीति सोगानी, भरत बाहुबली चैनल अपनी रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। चातुर्मास में हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाजार में हम लोग जो खाते हैं वो हम चातुर्मास के टाइम नहीं खा सकते हैं। बच्चे बाजार का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि चातुर्मास में बच्चे बाजार का ना खाएं, तो घर में उन्हें हम क्या बना के दे सकते हैं। बच्चे टिकिया छोला बहुत पसंद करते हैं, टिकिया चाट पसंद करते हैं, और टिकिया चाट कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, आज जो हमारी नई गृहिणी है अपनी रसोई की, टिकिया छोला बिना आलू बिना प्याज बिना लहसुन के बनाती हैं और कितना स्वादिष्ट बनता है घर पर, वो हमें दिखाएंगी। तो मिलते हैं रजनी जैन से। जय जिनेंद्र रजनी जी, भरत बाहुबली चैनल अपनी रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज जो आप हमें अपनी रेसिपी बताने वाली हैं, टिकिया चाट कैसे बनता है, तो इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ते हैं सामानों का, तो आप प्लीज़ हमें बताइए। तो टिक्की बनाने के लिए क्या क्या सामान हमें ज़रूरत होता है, तो ये आप सबको नोट करिए। कच्चे केले को मैंने उबाला हुआ है, आप 4 कच्चे केले ले लीजिए, उसको उबाल करके छील करके उसको मैश करके रखना है। ये मैंने काबुली चना है उबाल करके नमक हल्दी डाल करके उबाल के रखा हुआ है। ये 2 टमाटर की हरी मिर्च की ग्रेवी है, ये हरी मिर्च कटी हुई अलग से है। ये टिकिया को तलने के लिए सेकने के लिए तेल है, और ये नमक मिर्च और जीरा पाउडर काला नमक का मिलके जो पेस्ट पाउडर बनाया हुआ है, जो टिकिया बनने के बाद उस पर गार्निश करने के लिए चाहिए, और ये धनिया की पत्ती है जो सजावट के लिए चाहिए। जैसा कि रजनी जी ने बताया कि क्या क्या सामान कितना कितना लगता है, ये तो आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया है। अब अपन देखते हैं कि ये केले की टिकिया कैसे बनाई जाती है। कच्चे केले को मैंने उबाल लिया है एक सीटी लगा के, अब उसके छिलके उतारने हैं, उसको मैश करना। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ी धनिया पत्ती, थोड़ा मसाला, ये जो मिला हुआ है इसको मिला करके उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उबला हुआ कच्चा केला है, उसके अंदर इन्होंने जो भी दिया, धनिया पत्ता दिया, मसाला दिया, और देखकर अब ये इनका हरी मिर्च दिया, फिर अब एक टिकिया के आकार दे रही हैं, और ये टिकिया बन रहा है इनका। और उसके बाद तेल ज़्यादा हेल्दी। अच्छा, मतलब नॉन स्टिक लेने से एक्चुअली उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। हाँ, ओके। हाँ, तो मतलब ज़्यादा ऑयल भी नहीं रहता है, तो ऑयली भी नहीं है और बहुत हेल्दी भी होता है। फिर ये जब तक टिकिया सिक रहा है हमारे यहाँ पर, अभी टिकिया हम लोग ने सेकने के लिए रखा है, तो जब तक टिकिया सिक रहा है तब तक हम लोग यहाँ छोले बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो 1 स्पून ऑयल लिया गया है और उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, जैसे जीरा थोड़ा क्रैकल आवाज़ आता है, तो फिर उसके बाद टमाटर का प्यूरी जो बनाया है, टमाटर हरी मिर्च की जो प्यूरी बनाई हुई है उसको हम लोग सौते करेंगे। वो टमाटर हरी मिर्च की प्यूरी बन रही है, और इसमें क्या क्या मसाला फिर आप डालोगे? आप इसमें कम से कम 2 चम्मच मसाला मैंने डाला है, थोड़ा सा ग्रेवी को सेकने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, जब थोड़ी ग्रेवी सीख जाएगी तब फिर हम छोले को डालेंगे। अच्छा, मतलब ये अभी ग्रेवी जैसे थोड़ा रेड मुझे लग रहा है, पानी है ना? हाँ, इधर मुझे लगता है ये भी सीख गया है। वाओ, बिल्कुल भी ऑयल नहीं आ गया, और ये देखिए कितना अच्छे से ये नॉन स्टिक, इसीलिए नॉन स्टिक को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बहुत आसानी से सिकता है बिना तेल के। ये बहुत अच्छे से सिक रहा है। इसमें बॉईल किए हुए, जो पहले से बॉईल किए हुए रखे हुए थे छोले, वो छोला पूरा डाल दिया गया है। छोला डालने के बाद इसको थोड़ा दोनों को मिक्स करने देंगे जो, ताकि एक में हो जाए, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, तो इसमें सादा पानी ही मैं डालूँगी। इसमें अब चना मसाला भी डाल रहे हैं और लाल मिर्च भी डाल रहे हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार। ये छोला खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। छोले को बाप दीजिए। हाँ, तक आप टिक्की की प्लेट। टिकिया तैयार हो गई है, छोले तैयार हो रहे हैं, बस इसको सजाने की तैयारी, बस फाइनल टच में देने वाली हूँ,
और झटपट आपके सामने स्वादिष्ट केले की टिक्की तैयार हो जाएगी। और हम लोग खाने वाले हैं, बिल्कुल खाने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है केले की टिक्की से, जो कि लग नहीं रहा कि ये आलू नहीं है। वाकई हम बच्चों को ये दे सकते हैं, उन्हें ये बोल कर कि ये केले की टिक्की आप लोग टेस्ट करके देखो, स्वाद अपना आलू जैसा ही इसमें है, तो क्यों अपन आलू खिलाएं जब केले की टिक्की इतनी स्वादिष्ट बनती है। और इधर मुझे लगता है आपका छोला भी शायद रेडी हो गया होगा तब तक में। धनिया पत्ती मैंने डाल दी है सजावट के लिए भी और स्वाद के लिए भी, और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। अगर अपना प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो बच्चों को भी प्लेट देख के भूख उछलने लग जाता है पेट में। और अब ये रेडी है, टिक्किया प्लेट में लग चुका है, और अब इसके बाद ये छोला डाल रही हैं इसके साथ में। वाओ, बिल्कुल एक बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है। अब आप क्या देंगी इस ऊपर से मसाला? हाँ, मसाला मैंने मिला करके रेडी रखा हुआ है, तो आप उस पर डाल दीजिए। अब इस पर मैं धनिया की चटनी सजा रही हूँ। अच्छा, और अगर आप चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनाज और दही का, उस चक्कर में भोजन नहीं खाते, लेकिन आप चाहें तो इसमें मिला सकते हैं। धनिया की चटनी मैंने नहीं डाली है क्योंकि दही या डालने से उसकी खटाई हो जाएगी, और मैंने टमाटर की पूरी की ग्रेवी डाली हुई है तो उससे भी खटाई हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें इमली की चटनी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर हेल्थ कॉन्शियस होते हुए मैंने नहीं डाली। बच्चों, अब आपको प्रीति आंटी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि देखो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट जो कि टिक्किया चाट है वो घर पे रेडी हो गई है। तो खाओगे ना घर पर अब टिक्किया चाट? बिल्कुल खाना होगा, क्योंकि चातुर्मास में अब बिल्कुल बाहर का भोजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ घर का भोजन। रेडी है आप सबके लिए टिक्किया छोला। टिक्किया चाट तो बन गई, आपने देख ली कैसे बनी, अब प्लीज़ खा के भी बताइए कि आपको कैसी लगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं खाना चाहूँगी रजनी जी, क्योंकि वाकई ये टिक्किया चाट देख के मेरा भूख बहुत बढ़ गया है। और अमेजिंग, रियली अमेजिंग, आप बिलीव नहीं करेंगे कि घर पर इतना टेस्टी टिक्किया चाट, क्योंकि हम लोग हमेशा बाहर में ठेले वाले के पास या रेस्टोरेंट में टिक्किया छोला खाते हैं, मगर घर में भी इतना स्वादिष्ट टिक्किया छोला बनता है वो एक गृहिणी ही बना सकती है। तो अपनी रसोई में आज इस गृहिणी का हम लोगों ने रेसिपी आप सबको दिखाया, तो चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।